हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो अब राउंड द कॉर्नर है, बिल्कुल सिर पर हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत की है आपने, अब बस वो घड़ी है कि हमें एग्ज़ाम अटेंड कैसे करना है, हमें एग्ज़ाम देना कैसे है, हमें कौन से क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में करने हैं, क्या हमें सभी क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमें सभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्या हमने प्रिपरेशन की है नहीं की है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आज की क्लास में आपको देने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट डियर बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, जैसा आपने प्रिपरेशन की उससे भी बहुत अच्छा होगा। तो आप बस एक बात अपने माइंड में रखिए कि आपका जो पेपर है वो बिल्कुल सिंपल आने वाला है, बिल्कुल टफ नहीं होगा। तो इस पेपर को लेके ज़्यादा आप यूँ टेंशन में ना रहें कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं समझना है। अब फर्स्ट बात, मैं कुछ आपको पेपर आपको अटेंड कैसे करना है, मैं पहले वो पॉइंट पर फोकस करूँगा। तो आ जाइए, तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप जैसे ही पेपर ओपन करोगे ना, तो आपको खुद को लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑल द क्वेश्चंस कंपलसरी, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चंस अटेंड करना जरूरी है। ये आपको फर्स्ट उसमें भी मिलेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको सभी क्वेश्चंस अटेंड करना है, चाहे किसी क्वेश्चंस का आंसर आता है या नहीं आता है, चाहे कोई फिल इन द ब्लैंक्स में आपको राइट टिक आता है नहीं आता है, बट जैसा आता है वैसा आपको सभी क्वेश्चंस अटेंड करने। अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, वर्क नीट एंड क्लीन। आपका जो काम है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपको शीट बहुत बड़ी अच्छी शीट मिलेगी, आप कितना भी लिखेंगे, चाहे आप कितने भी फुल स्पेस में लिखेंगे तो भी आप सीट पूरी नहीं भर पाएंगे, इतनी बड़ी सीट मिलेगी आपको। तो इसमें आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना है, फुल स्पेस तक के काम करना है, और क्वेश्चन नंबर सही लगाना है। विशेष सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन नंबर आपको सही लगाना है। जैसे किसी में क्वेश्चन नंबर 2 का ए का 1 2 ऐसे दे रखा है, तो जैसे क्वेश्चन मतलब पेपर में लिखा हुआ वैसे के वैसे आपको सीधी भाई नंबर सही डालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर सही डालना विशेष ध्यान रखना है, फुल स्पेस के साथ रखना लिखना है। ऐसे नहीं कि एक ही लाइन के अंदर 2-3 क्वेश्चंस के आंसर घुसा दो, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, फुल 1-1 लाइन ड्रॉप करते हुए सबके आंसर लिखने हैं और बिल्कुल क्लियर काम करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है अ सिस्टमैटिक वे। अब आपको पेपर अटेंड करना है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से अटेंड करना है, आपके पास में उसका एक तरीका होना चाहिए कि मुझे कैसे अटेंड करना है, इंग्लिश पेपर कैसे अटेंड करना है, कि मैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करूं, उसके बाद में कौन सा क्वेश्चंस करूं, इस पे ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अब जैसे है ना, किसी का राइटिंग सेक्शन अच्छा है तो वो सबसे पहले राइटिंग सेक्शन कर लेगा, किसी का ग्रामर सेक्शन अच्छा है तो सबसे पहले ग्रामर सेक्शन कर लेगा। हाँ, ये डेफिनेटली सही है, जो क्वेश्चंस के आंसर हमें पहले आते हैं वो हम लोग पहले कर लेंगे और जो नहीं आते हैं वो हम लोग बाद में करते हैं। तो ये डेफिनेटली आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको मैंने यहाँ पे स्पेशली उनको समझाने की कोशिश की है। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी मीडियम है, मतलब हम कह सकते हैं कि उनकी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा कोई भी पार्ट स्ट्रांग नहीं है, बस ठीक ठीक तैयारी है, तो उनके लिए देखो, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग सेक्शन बी अटेंड करोगे। कौन सा सेक्शन अटेंड करोगे? बी, राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट में कौन से 8 क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन 3, 4, 5, ये 3 ही क्वेश्चन होंगे दोनों क्लासेस 10, 12 बोर्ड के लिए। अब दोनों क्लासेस के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर लेटर राइटिंग का होगा और ऑप्शन में उसके ईमेल राइटिंग लिखा हुआ होगा, है ना। अब लेटर राइटिंग लिख रहे हो, ईमेल राइटिंग लिख रहे हो, तो आपको कैसे लिखना है, इसका मैंने आपको पैटर्न एक वीडियो बना के पहले ही सेंड कर दिया है। बट उसका विशेष जो पैटर्न्स हैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखोगे, पैटर्न्स के लिए वीडियो देख लेना आप, और लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखोगे। मतलब लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे ये है कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लिखने हैं, करेक्ट मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग ही लिखने हैं सेंटेंस।
राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखोगे और प्लस स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होता है? स्पेलिंग मतलब आप करेक्ट स्पेलिंग ही लिखोगे तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब स्पेलिंग का लिए आपको ज़्यादा याद नहीं है तो आपको क्वेश्चंस में से भी बहुत सारी स्पेलिंग मिल जाती है तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद में आपको कितने पैराग्राफ में लिखने हैं, तो लेफ्ट राइटिंग जो होता है कम से कम 3-4 पैराग्राफ में बनना चाहिए। ईमेल राइटिंग लिख रहे हो तो वो आपका 2 पैराग्राफ में बनता है। फिर उसका एंडिंग कैसे करना है, एंडिंग बिल्कुल एक लाइन ड्रॉप करके योर्स ओबेडिएंटली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली ऐसे लिख के उसको एंडिंग लिखते हैं। अब जो आपके लेफ्ट राइटिंग आ रहा है एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग आपकी उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। कौन सा लेटर, अलग अलग टाइप्स के लेटर होते हैं, जैसे फॉर्मल लेटर में भी अलग अलग टाइप्स के हैं, सब मैंने आपको बता रखे हैं कि कौन से का पैटर्न कैसा होता है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है ना, तो सब बातें आप ध्यान रखते हुए काम करेंगे। अब देखो क्वेश्चन 4 में आते हैं, तो 10th वालों के लिए स्टोरी राइटिंग है और 12th वालों के लिए रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग इनकी ऑप्शन में होता है कि या तो रिपोर्ट राइटिंग लिखो या फिर एक पैराग्राफ दिया हो उसको हिंदी ट्रांसलेट करो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन दिया है आपके, अगर आप ये चाहते हो तो ये कर सकते हो। अब स्टोरी राइटिंग कैसे लिखेंगे, आउटलाइंस फॉलो, मतलब आपको है ना स्टोरी राइटिंग की दो ऑप्शन में दे रखी होंगी, दो स्टोरी मतलब दोनों में से एक करनी है। अब वो करनी कौन सी है, जो आपको इजी लगे। अब पहले आपने उसको पढ़ा आउटलाइंस को तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये उस टॉपिक वाली स्टोरी है। अब स्टोरी लिखते समय हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले उसका ऊपर टाइटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टोरी का टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, टाइटल बिल्कुल पेज के सेंटर में लिखेंगे और फिर जो आउटलाइंस दे रखी हैं उस आउटलाइंस की हिंट हेल्प लेते हुए हम पूरी स्टोरी लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जितनी उसमें दे रखी है हम उतनी ही लिखेंगे, नहीं, उससे हमें ज़्यादा लिखनी है। बट कैसे ज़्यादा लिखेंगे, उससे ज़्यादा कैसे लिखेंगे कि हमने पहले कुछ पढ़ी होगी है ना, हमने प्रैक्टिस भी की होगी तो हमने जैसे प्रैक्टिस की ना उसके अकॉर्डिंग ही लिखनी है। बट आउटलाइंस के जो वर्ड्स हैं वो भी उसके अंदर मेंशन होने चाहिए और लास्ट में मोरल भी आपको लिखनी है। जब टाइटल्स हैं, मोरल्स हैं, ये सब लिखेंगे ना तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको फुल मार्क्स स्टोरी के नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखनी है ना। अब वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है विशेष, वर्ड लिमिट मतलब जैसे स्टोरी 80 वर्ड्स में आती है तो 80 वर्ड्स में ही लिखनी है, ज़्यादा उससे बड़ी नहीं लिखनी है। अब स्टोरी राइटिंग हो या रिपोर्ट राइटिंग हो दोनों पास्ट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, पास्ट सिंपल टेंस में, मतलब पास्ट का इंसिडेंट ही हम लोग इसमें बताते हैं, पास्ट सिंपल में लिखा जाता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। किस में लिखा जाएगा आपका, पास्ट सिंपल में। तो ये स्टोरी और रिपोर्ट राइटिंग का आपको विशेष ध्यान रखना। रिपोर्ट राइटिंग भी मैंने बता रखा है कि उसमें सबसे पहले क्या लिखना है कि प्लेस, फिर डेट, फिर जो आप हैं एक स्पेस रखोगे, लाइन खींचोगे, फिर उसके बाद में सीधा सीधा लिखना स्टार्ट करना है। आप स्टोरी राइटिंग में या फिर रिपोर्ट राइटिंग में कोई फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, ईडियम्स यूज़ कर सकते हैं। ईडियम्स और फ्रेज करने यूज़ करने से आपकी लैंग्वेज ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती है, तो ऐसा कोई भी आप एक आदि कोई यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2-3 पैराग्राफ के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग आते हैं क्वेश्चन 5 में, इनका तो 10th वालों के पैराग्राफ राइटिंग होता है जैसे, और इनके जो हैं क्वेश्चन 3 में एडवर्टीजमेंट और नोटिस होता है और 5 में लेफ्ट राइटिंग होता है 12th वालों के। तो अब देखो पैराग्राफ राइटिंग में जैसे मैंने लिखा अ विजिट टू जू, अब विजिट टू जू मतलब इसमें आपने क्या किया, विजिट टू जू पे आ गया मतलब चिड़ियाघर की विजिट करना। तो आपने कभी विजिट किया है क्या, बिल्कुल किया है, तो आप अपने खुद के आइडियाज जब आपने विजिट किया था वो आइडियाज यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे नहीं कि आप क्या करें कि हाँ बुक में आई हुई है, बुक में रट के चले जाएं और रटी हुई रटाई वो वापस लिखने की कोशिश करें और 1-2 लाइन लिखेंगे और फिर बाद में भूल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। आप अपने खुद के आइडियाज लिखेंगे, आपको मुझे पता है प्रॉपरली नहीं लिखना आएगा, लैंग्वेज नहीं लिखनी आती, कोई बात नहीं, जैसा आपको आता ना वैसे ही, टूटी फूटी जैसी इंग्लिश आती है वैसी खुद की लैंग्वेज में लिखोगे तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। और कोशिश ये करो शॉर्ट सेंटेंस बनाने, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बनाने जिससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है कि ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंस बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो। और वैसे के वैसे एडवर्टीजमेंट नोटिस राइटिंग ये 12th वालों को लिखना होता है, इसका पैटर्न विशेष ध्यान रखना होगा, जिस पैटर्न को फॉलो करना है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। अब देखो दूसरा मेरा सजेशन यह है कि ना आप सेक्शन बी के बाद में दूसरा जो टॉपिक उठाएंगे वो सेक्शन सी उठाएंगे। सेक्शन सी जो ग्रामर है, अब ग्रामर में मुझे पता है कि ना सबके सभी क्वेश्चन सबको नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं, जो जितने आते हैं ना पहले वो करो और फिर बाद में जो नहीं आते हैं ना वो भी एक बार
नोट कर लो फिर, है ना। हो सकता है कोई हेल्प मिल जाए तो उस हेल्प से कर लो, और नहीं हेल्प मिले तो बाद में जैसे आते हैं वैसे खुद करो। बट क्वेश्चन सभी करने हैं, ग्रामर सेक्शन वाले भी क्वेश्चन सभी करने हैं, एक भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना है। अब देखो फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं कि अब ग्रामर सेक्शन में एक बात और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि आप जो भी उस ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन है, टाइप सेंटेंस का है या फिर चाहे फ्रेजल वर्ब का है या चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसको पहले क्वेश्चन को ट्रांसलेट करो, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो कि वो क्या कहना चाहता है, फिर उसको अंडरस्टैंड समझो, और समझने के बाद में सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद में उसको करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना। आपने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की होगी, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपके अपने आप माइंड में आ जाएगा कि हाँ इसमें ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखो अब सेक्शन ए में आ जाइए। सेक्शन ए रीडिंग मतलब आपके इसमें दो अनसीन पैसेज आते हैं। अब देखो इसमें अनसीन जो पैसेज आते हैं दो, इसमें आपको विशेष क्या ध्यान रखना है सुनिए। अब देखो मैं अनसीन पैसेज वाला, ये सबसे पहले मैंने क्यों नहीं करने को बोला पैसेज, इसके पीछे रीजन ये है कि पहले करने से क्या होता है कि बच्चे के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उसको मिलते नहीं पैराग्राफ के अंदर, तो उसका माइंड वहीं पे भटक जाता है कि नहीं यार अब ये तो आंसर मिल ही नहीं, मैं इसके आंसर ढूंढूं, उसमें टाइम उसका ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। फिर वो क्वेश्चंस के जिसके आंसर नहीं मिलते हैं, बच्चे का माइंड बस उधर ही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो बाकी वाला पेपर भी क्या अच्छा नहीं हो पाता है। इस कारण सजेशन ये है कि आप ये जो है थर्ड नंबर पार्ट पे ही करें। इसमें भी क्या होता है कि एक तो फैक्चुअल होता है, एक तो फैक्चुअल पैसेज होता है और दूसरा डिस्क्रिप्टिव होता है। अब देखो फैक्चुअल तो मतलब फैक्ट के आधार पर होता है, मतलब फैक्ट के मतलब सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएंगे, जैसे व्हेन डिड हिज बॉर्न, उसका जन्म कब हुआ था, ऐसे सीधा उसकी डेट लिखी हुई होगी, सीधा आंसर लिख लेंगे, ये फैक्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में हो जाता है सिंपली। एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्या होता है कि इसमें मतलब आपको आंसर पूरा जो समझ के लिख, मतलब उस वो पैसेज को पूरा आपको समझना पड़ेगा, समझने के बाद में आपको सीधे सीधे उसके आंसर नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सीधे सीधे आंसर नहीं मिलेंगे तो आपको उसको पैसेज को पूरा समझो, और फिर ना या तो उसकी थीम पूछ सकता है ना, या उसकी या उसको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसके आंसर है ना एक पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, है ना, एक लाइन फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगी, दूसरी सेकंड पैराग्राफ में मिलेगी, इस तरह का ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है, उसके आंसर इस तरह से मिलेंगे आपको। और फैक्चुअल वाला है तो फिक्स है, और आपका फैक्चुअल वाले में तो ये भी पैटर्न फिक्स रहता है। कौन सा पैटर्न फिक्स रहता है, आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि क्वेश्चन वन का आंसर फर्स्ट या टू सेकेंड लाइन में ही मिलेगा, टू का आंसर नेक्स्ट थ्री फोर लाइन में मिलेगा, ऐसा ही होता है। बट डिस्क्रिप्टिव वाले में इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मतलब आपको इस तरह से आंसर देना होगा कि वो सेम क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है वैसे की वैसी लैंग्वेज में आंसर नहीं भी दिया हो सकता है, क्वेश्चन में और आंसर की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी मिल सकता है, तो जब आप वो समझेंगे ना अच्छे से तभी आप उसके आंसर्स कर पाएंगे। अब देखो ये तो बात हो गई समझने की, बट अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा, आंसर ऑल क्वेश्चंस, मतलब पैसेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, चाहे आपको आते हैं या नहीं आते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, मतलब पैसेज में से देख देख के लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आप लिखो ही नहीं कि ये मेरे को आंसर नहीं मिला मैं इसका नहीं लिखूंगा, नहीं, जैसा आता है वैसा ही आप पैसेज में से उठा के उसको लिख लेना। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके ये कौन से, एक तो आते हैं आपका एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड का, एक सिनोनिम्स का सिमिलर वर्ड का, तो ये भी आप थोड़ा सा माइंड लगा के जल्दी से फाइंड आउट करेंगे तो कुछ इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान। अब सबसे लास्ट में सजेस्ट करता हूँ कि आपको कौन सा सेक्शन लेना है, सेक्शन डी लेना है। कौन सा लेना है, सेक्शन डी लेना है। अब सेक्शन डी में क्या करना है देखो,